बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के बेटे और पूर्व नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। आशुतोष टंडन लखनऊ शहरी से विधायक थे और लंबे समय से लखनऊ के वेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद आज उन्होंने आखिरी सांस ली। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद आशुतोष टंडन राजनीति के मैदान में उतरे। 2013 में पहली बार लखनऊ शहर पूर्वी सीट पर चुनाव में जीतकर विधायक बने। इससे पहले 2012 विधानसभा चुनाव में लखनऊ उत्तर सीट से टिकट मिली, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हो पाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर आशुतोष टंडन को जीत हासिल हुई। टंडन को योगी सरकार के पहले कार्यकाल में ही कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उनके पास शहरी विकास, रोजगार और गरीबी उन्मूलन जैसे बड़े मंत्रालय थे। इसके बाद साल 2022 विधानसभा चुनाव में वो तीसरी बार विधायक बने। आशुतोष टंडन के निधन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शोक जताया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक लखनऊ से आवास पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इससे पहले टंडन के पार्थिव शरीर को बीजेपी कार्यालय में ले जाया गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत दूसरे नेताओं ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर दुख जताया। आशुतोष टंडन गोपाल जी का दुखद निधन का समाचार मिला है। वे एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे, न केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में बल्कि पूरे लखनऊ में लोग उन्हें उनके पूज्य पिता के द्वारा दिए गए नाम गोपाल जी के नाम पर पुकारते थे।